आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जनवरी 2022 में 3% की महंगाई भत्ते अर्थात डीए में वृद्धि की गई थी और ऐसे में आपका जो डीए था वो 31% से बढ़कर अब वर्तमान में 34% पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों जो जनवरी 2022 में डीए 3% बढ़ा था उसका भुगतान आपको पिछले महीने अर्थात जुलाई माह के वेतन के साथ अगस्त माह में दिया गया है। ऐसे में जो शेष 6 माह बचते हैं इसका आपको एरियर दिया जाना है और इसी एरियर के संदर्भ में जनपद आजमगढ़ से एक खबर है। दोस्तों कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ का यह आदेश है जो कि 6/8/2022 को दिया गया है और ये आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़ को दिया गया है। विषय की अगर हम बात करते हैं तो डीए एरियर 34 से 31% के भुगतान के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आपको अवगत कराना है कि शासन के आदेश संख्या दिनांक 23/7/2022 द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि माह जुलाई 2022 भुगतानिक माह अगस्त 2022 से नगद दिया जा रहा है, जबकि 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान डीए अवशेष के रूप में किया जाना है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अवशेष बिल 34 से 31% महंगाई भत्ते का अंतर शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में 1 सप्ताह के भीतर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भुगतान के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। विलम्ब की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़। तो दोस्तों इस तरह से आप निश्चित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके जनपदों में भी इस तरह के निश्चित रूप से आदेश आने चाहिए, क्योंकि 3% बढ़े हुए महंगाई भत्ते को देने में पूरे 6 महीने का समय लगा है, 7वें महीने में प्राप्त हुआ है, तो वैसे ही काफी ये विलम्ब हो चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश है और ये आदेश अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव उत्तर प्रदेश शासन को दिया गया है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 16 अगस्त 2022 यानी आज की डेट में ये आदेश दिया गया है। इस आदेश का विषय है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2022-23 के संबंध में। इसमें क्या कुछ दिया गया है आइए देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 15 जून 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह क, समूह ख, समूह ग एवं समूह घ के कर्मियों के सभी प्रकार के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि पूर्व में कहा गया था कि जो स्थानांतरण की निश्चित अवधि है उसके बाद कोई भी स्थानांतरण होंगे तो वो बिना उच्चाधिकारियों या विभागीय अधिकारियों के अनुमोदन के नहीं होंगे, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आदेश के बिना अब कोई भी स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। बहुत ही दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं का यह आदेश है और यह आदेश 16/8/2022 यानी आज के डेट में ही आदेश दिया गया है और यह आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारी नगर शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं को दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आप अवगत हो कि शासन स्तर से शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में विचार किया जा रहा है, जिसके लिए पदोन्नति हेतु अहर्य शिक्षक शिक्षिकाओं की वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने अपने विकास नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों एवं प्रधान अध्यापकों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता के संबंध में संलग्न प्रारूप पर सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर युक्त सूचना 2 दिन के मध्य अधोस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इससे पूर्व भी आपको इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 11/8/2022 द्वारा सूचनाएं निर्देशित किया जा चुका है और यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यहाँ पे जो वरिष्ठता सूची बनाने की बात है उससे संबंधित सूचनाएं यहाँ पे मांगी गई है। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहाँ वरिष्ठता सूची बिल्कुल तैयार करके रखी गई है और अब भी आज भी इंतजार हो रहा है कि कब पदोन्नति का आदेश आएगा और कब शिक्षकों की पदोन्नति होगी और ये आज भी इंतजार का विषय बना हुआ है। तो शासन प्रशासन में बैठे उन सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि चाहे स्थानांतरण का मुद्दा हो या फिर प्रमोशन का मुद्दा हो, निश्चित रूप से इस कार्य को यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का ये बहुप्रतीक्षित इंतजार काफी लंबा होता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की सूचनाएं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।